हेलो फ्रेंड्स, मैं नीतीश कुमार आपका आपके यूट्यूब चैनल इन्वेस्ट फॉरएवर में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। 2-3 दिन से वीडियो नहीं आ रही, इसका पीछे रीजन ये है कि आई एम नॉट फीलिंग वेल पिछले 2-3 दिन में, और आज भी नहीं हूं। बट स्टिल अपना जो जुड़ाव है अपने चैनल के साथ, अपने स्टॉक मार्केट और अपने जो जितने भी हमारे व्यूअर्स है वो रियल है, ओके। और स्टॉक मार्केट एक प्यार है जिसे कैसे, तो इसलिए यहाँ से लगाव टूट नहीं सकता, तो इसलिए वीडियो तो हमेशा आएगी चाहे कैसा भी फील करते हो। तो हम आज की डेट में बात क्या करने वाले हैं, हम बात करने वाले एएमसी स्टॉक से रिलेटेड। आप सोच रहे होंगे देखिए आज एएमसी भाग गया, यूटीआई यहाँ पर 15% भागा है, एचडीएफसी एएमसी की बात करें तो ये भी यहाँ पर 12% भागा है, एज वेल एज आदित्य बिड़ला भागा है और निप्पॉन भागा है। तो आज क्यों बता रहे हो, तो मेरा कहने का मतलब ये है, मैं इसलिए बता रहा हूँ आज। अगर आप हमारे चैनल को फॉलो करते होंगे तो यहाँ पर देखिए कितने 13 days एगो, मतलब 13 दिन पहले, ओके, यहाँ पर मैंने वीडियो बनाई थी। और देखिए फ्यूचर ऑफ एएमसी स्टॉक्स, जिसमें मैंने चारों स्टॉक्स को यहाँ पर लिया था और आपको बताया था किस तरीके से यहाँ पर ये सारे के सारे स्टॉक्स अच्छे नजर आ रहे हैं, ओके। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर थंबनेल में लगा भी रखा है बेस्ट एएमसी टू इन्वेस्ट नाउ, ओके, मैंने ये भी बताया था। तो जाके वीडियो को देखिए और हमारे चैनल से जुड़ के, समझ रहे हैं आप, हमारे चैनल से जुड़ के आप सबसे पहले पता कर सकते हैं कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है, सेक्टर रोटेशन के साथ साथ पैसा बनेगा कहां पर, वो आपको यहां पर पता चलता हुआ नजर आएगा, ओके। तो इसी को सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, ताकि इस तरीके की वीडियो आपको डेली बेसिस पे मिलती रहे। दूसरी वीडियोस, दूसरा चैनल है नीतीश कुमार, इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए, ऑल की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। बाकी राकेश झुंझुन वाला सर अब यहाँ पर रहे नहीं है, तो एक बार वीडियोज को देख लीजिएगा, इसमें एक इंपॉर्टेंट मैसेज छुपा हुआ है। वीडियोज यहाँ पर बनाते रहते हैं, तो इन वीडियोज को जाके देख लीजिए, ट्विटर पे फॉलो कर लीजिए, एज वेल एज इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए, लिंक मिल जाएगा। आप चाहे तो हमें कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ताकि आपको हमें इजीली यहाँ पर अप्रोच कर सके। बात करते हैं आप शेयर्स की, तो देखिए यहाँ पर अभी जस्ट अ बिगनिंग, ओके, जस्ट अ बिगनिंग मींस जस्ट अ बिगनिंग। शेयर ऑल टाइम हाई तक भी जाएगा, शेयर आपको एक मल्टीबैगर रिटर्न्स भी देते हुए नजर आएगा और बेहतरीन पैसा बनता हुआ नजर आएगा एएमसी स्टॉक्स में। क्यों बनता हुआ नजर आएगा, मैंने यहाँ पर जब वीडियो बनाई थी तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर जब आप डेटा देखेंगे एफआईआईज एंड डीआईआईज का, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर जो डेटा है, एफआईआईज ने यहाँ पर लगातार माल बेचा था और इसके अगेंस्ट में डीआईआईज ने वो माल यहाँ पर खरीदा था। अगर आपको समझ में आ रहा हो तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ये डीआईआईज का डेटा 10,000 करोड़, 46,000 करोड़, 50,000 करोड़, 30,000 करोड़, 39,000 करोड़, 42,000 करोड़, 21,000 करोड़, ये लगातार इन्होंने मतलब लैक्स ऑफ थाउजेंड करोड़ रुपीस का यहाँ पर माल इन्होंने खरीदा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, देखिए ये कोई रिटेल इन्वेस्टर्स ने तो खरीदा नहीं है, ओके, कुछ लोगों ने, रिटेल इन्वेस्टर्स से थोड़े बहुत लोगों ने खरीदा होगा, बट यहाँ पर सारा पैसा कहाँ गया है, सारा पैसा गया है म्यूचुअल फंड्स के पास, ओके और म्यूचुअल नए इन्वेस्टर्स आए, म्यूचुअल फंड पे पैसा जाने की वजह से यहाँ पर देखिए डीआईआईज का मतलब ही है बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स। तो यहाँ पर बड़े-बड़े इन्वेस्टर्स तो है, बट बहुत सारा पैसा यहाँ पर गया, जो पैसा लगाया है वो लगाया म्यूचुअल फंड्स ने, वो फंड हाउसेज ने यहाँ पर पैसा लगाया है। और जैसे जैसे, अब देखिए मैं हमेशा बताता हूँ कि जैसे जैसे जब एफआईआईज बेचते हैं डीआईआईज खरीदते हैं, एफआईआईज खरीदते हैं डीआईआईज बेचते हैं, तो यहाँ पर पता चल रहा होगा धीरे धीरे अब ये बेचना शुरू कर दिया है, यहाँ धीरे धीरे ये माल बेच रहे हैं, जहां पर इन्हें लग रहा है कि हाँ अब हमें यहाँ पर निकाल देना चाहिए, वहां से निकाल भी रहे हैं। मार्केट को ऊपर जाना है नो डाउट, बट कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब सिंपल ये है कि ये जो सेक्टर है जो एएमसी सेक्टर है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, म्यूचुअल फंड्स, तो यहाँ पर क्या होने वाला है कि यहाँ पर अब इन्होंने नीचे से ले रखा है, मार्केट एफआईआईज खरीद रहे हैं, तो वैसी बात है मार्केट को अब ऊपर जाना है, मार्केट अब ऊपर जाएगी, तो इसका मतलब क्या है कि डीआईआईज बेचना शुरू करेंगे और डीआईआईज बेचना शुरू करेंगे, तो अब वैसी बात है पैसा कहाँ आना है, इन्हीं ने पैसा लगाया था तो इन्हीं के पास पैसा आना है। तो यहाँ पर जब इनके पास पैसा आना है तो एचडीएफसी एएमसी, ओके, यहाँ पर यूटीआई एएमसी, जो यहाँ पर लगातार कुछ क्वार्टर से नेगेटिव परफॉर्मेंस कर रहे थे, 61 से 52, 35-36% का मार्जिन आ रहा था, प्रॉफिट जो लगातार यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा था, ये यूटीआई की बात हो गई। एज वेल एज एचडीएफसी एएमसी की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर पता चलेगा आपको लगातार जो गिरावट थी, यहाँ पर आप देखेंगे ये 4,000 को टच करके, ओके 4,000 तो पहले टच किया था, लगभग 3,300-3,400 को टच करके लगातार 1,700 रुपये पे 50% यहाँ पर गिर चुके थे। तो ये एक अपॉर्चुनिटी थी, मैं और अभी भी वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं हुई है। तो यहाँ पर देखिए स्टिल कंपनी अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही है, थोड़े से मार्जिन पे इफेक्टिव और थोड़ा बहुत प्रॉफिट यहाँ पर घटता हुआ नजर आ रहा था, बस थोड़ा बहुत। तो इस चीज को आपको समझना होगा कि कंपनी यहाँ पर ये हमेशा प्रॉफिट में रहने वाली है और ऐसे ही बेस्ट कंपनी में आप बने रहेंगे। तो थोड़ा सा टाइम जरूर देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट इज नॉट अ थिंग कि एक दिन में या दो दिन में आपको पैसे मिल जाए। आपने शेयर खरीदा होगा 20-30-50% तक डाउन भी जा सकता है, बट थोड़ा सा आप टाइम देंगे तो वो रिकवर होगा। फिर रिकवर होने का मतलब केवल रिकवर ही नहीं होगा कि आप रिकवर हो गया तो अब मैं निकाल लूँ, फिर उसके बाद भागना शुरू करेगा। जो इलियट वेव की जिसे कहते हैं ना, वो इलियट वेव बनती हुई नजर आएगी, वो चीजें ऊपर जाती हुई नजर आएगी, तो आपको प्रॉफिट भी मिलता हुआ नजर आएगा। और ये वो दिग्गज स्टॉक्स है जो मैं आपको बताता रहता हूँ कि इन्हें खरीदेंगे तो अच्छा खासा पैसा बनता हुआ नजर आएगा। तो यहाँ पर 4 एएमसी स्टॉक्स, एचडीएफसी एएमसी, यूटीआई एएमसी एज वेल एज निप्पॉन लाइफ एएमसी जिसे आप रिलायंस एएमसी के नाम से भी जानते हैं, और एक लास्ट बट नॉट लीस्ट आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी। ये 4 स्टॉक्स मार्केट में शामिल है। ओके, चारों स्टॉक्स में आप इन्वेस्ट करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। तो एक एक करके ओके रिजल्ट से रिलेटेड और वो सब चीज हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया है। आई बटन पे लिंक दे दूंगा तो आपको यहाँ पर चीजें समझ में आएगी। चार्ट से रिलेटेड बातें कर लेते हैं सिंपल, क्योंकि चार्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आप समझेंगे। तो देखिए यहाँ पर ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया था, तो इसी दौरान मैंने यहाँ पर वीडियो ही बना दिया था। ओके, ये यहाँ पर डिसेंडिंग चैनल इसे कहते हैं, और डिसेंडिंग चैनल का मतलब होता है कि लिमिटेड गिरावट होती है, फिर उसके बाद चीजें ऊपर चलती हुई नजर आती है। तो जो गिरावट थी वो हो गई 50% गिरावट, एक कंसोलिडेशन फेज। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे ये चैनल बनता हुआ नजर आता है, इसका ब्रेकआउट, और जब इसका ब्रेकआउट हो गया ये एक अपॉर्चुनिटी थी यहाँ पर इन्वेस्ट करने की, और यहाँ पर इन्वेस्ट करके चीजें अब ऊपर जा रही है। तो यहाँ पर जब ऊपर जा रही है तो सिंपल सी बात है, पहला टारगेट तो यही है। ओके, यहाँ पर रुक गया, हो सकता है कि एक आध दिन ऊपर नीचे चल के दोबारा नीचे आ जाए, फिर अपॉर्चुनिटी बनेगी और फिर यहाँ पर खरीदा जाएगा, क्योंकि माल जब भरा जाता है ऑपरेटर इसी तरीके से आपको माल खरीदवाते हैं। तो यहाँ से भी अगर आप बाइंग करते हैं तो 13-14% की यहाँ पर, बट थोड़ा सा वेट अगर आप कर लेंगे, अगर दे देंगे इसे 1 साल, तो याद रखिए 53% के रिटर्न तो ये बनते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली। ओके, मैंने आपको बता दिया, पैसा लगाया इन्हीं लोगों ने, तो इन्हीं के पास पैसा आना है। तो यहाँ पर चीजें क्या होने वाली है, चीजें यहाँ पर तक जाने वाली है और अच्छा खासा पैसा आपका बनता हुआ नजर आएगा। तो एचडीएफसी एएमसी की तरफ आपको ध्यान देना है। लार्ज कैप है, एक बड़ा नाम है, एक ग्रुप है। बहुत लोगों ने बेकार कहा, बेकार कहने वाले कोई नहीं, कहने दीजिए। लोग, बहुत सारे लोग यहाँ भी अटके होंगे, बहुत सारे लोग बीच में भी अटके होंगे, कोई परेशानी नहीं है। अच्छा स्टॉक्स चुना है, इसी को तो इसलिए तो हम डिलीवरी करते हैं कि हम अच्छे स्टॉक्स में बने रहे। इसके अलावा हम बात करेंगे आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी। आज के दिन में अच्छा खासा भागा, भागने का थोड़ा सा यहाँ पर नीचे आता हुआ दिखाई दिया है। और इन सब में मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगता है आदित्य बिड़ला सन लाइफ। क्यों? क्योंकि इनके इसके रिजल्ट काफी बेहतरीन है। शॉर्ट टर्म में बात करूँ तो शॉर्ट टर्म में मैंने देखी यहाँ पर जब वीडियो बनाई थी 13 दिन पहले, तो मैंने आपको बता ही दिया था ये शेयर इस, बट इसके बाद अगर हम बात करें तो अभी भी ये शेयर 22% के रिटर्न देता है। देखिए जो ये कहानी बनी है, इसे तेजी करने के लिए जो ये आज का लेवल है हाई 477-478, इस लेवल को निकाला, तेजी होगी जो इसे सीधे यहाँ पर 22% के रिटर्न देती हुई नजर आएगी। और अगर यहाँ पर अब गिर रहा है तो देखिए सपोर्ट है, तो यहाँ पर एक बेहतरीन सपोर्ट है, डरने की बात नहीं है। अगर नीचे आ जाए तो यहाँ पर ये एक लेवल है, अच्छा खासा खरीदने का मौका मिलेगा। तो आदित्य बिड़ला सन लाइफ की तरफ ध्यान दीजिएगा। इसके बाद बात करते हैं निप्पॉन लाइफ। निप्पॉन लाइफ एक बेहतरीन शेयर है। ओके, गिरावट हो रही थी लगातार, इसमें भी गिरावट हुई लगभग 475 से ये शेयर 250 पे आ गया था, लगभग 49-50% की गिरावट हुई। इससे पहले भी जब ये चला था, याद रखिए जब चला था एचडीएफसी ने भी इतने रिटर्न नहीं दिए थे, ये सबसे ज्यादा रिटर्न देके चला गया था, लगभग 100% के रिटर्न दे दिए थे। उसके बाद से लगातार इसमें गिरावट है। और यहाँ पर देखिए अब जैसे गिरावट हुई थी, हायर लोज बना था, अब हायर हाइज बन के यहाँ पर चीज जाती हुई नजर आएगी। देखिए एक हाई, ये फिर ये हाई बना, फिर ये हाई बना, अब यहाँ पर आसपास तो अगेन यहाँ पर बना है, ये सपोर्ट नजर आता है। सपोर्ट टूटा तो थोड़ी बहुत गिरावट हो सकती है, तो थोड़ी बहुत गिरावट तो ऑब्वियसली बात है आपको टॉलरेट करनी पड़ेगी 30-40-50 रुपीज की, क्योंकि आप इन्वेस्टर है। और इसके बाद ये जो आज का हाई है 326 रुपए का ये निकला, तो याद रखिए सबसे पहला टारगेट तो ये है 356-56 रुपए का, जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पर बना रखा है। और यहाँ पर चीजें रुकने नहीं वाली, रेजिस्टेंस यहाँ पर नजर आता है सीधे 375, और 375 को भी अगर क्रॉस कर दिया तो धीरे धीरे बढ़ेगा। ओके, जैसे यहाँ पर धीरे धीरे गिरा था, लगातार कोई भी चीज नीचे नहीं जाती, ऊपर भी गई थी, तो ऐसे ही जब लगातार ऊपर जा रही है तो थोड़ी सी नीचे, फिर ऊपर, थोड़ी नीचे, इस तरीके से हायर हाइज बनाते हुए चीजें निकलेगी। और ये राउंडिंग बॉटम जो हमने यहाँ पर देखा है, ये राउंडिंग बॉटम फिर हाई बनता हुआ नजर आएगा और अपने ऑल टाइम हाई को भी निकालेगा और अच्छे खासे रिटर्न बनते हुए नजर आएंगे। तो इस पर्टिकुलर सेक्टर पे, इस पर्टिकुलर शेयर की तरफ भी आप ध्यान दे सकते हैं 51% के। लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर से रिलेटेड बातें करेंगे जिसका नाम है ये इसका रेजिस्टेंस नजर आता है, ठीक है, 919 रुपए का। 919 रुपए के रेजिस्टेंस को तोड़ा तो सीधा भागता हुआ नजर आ रहा है। बट अभी क्या है, अभी यहाँ पर एक अच्छा खासा सपोर्ट था, इसके रिजल्ट भी थोड़े से फीके आए थे, तो इस चीज को भी ध्यान देना है। शेयर बेकार नहीं है, ओके, अच्छी कंपनी है, बट थोड़ा सा ध्यान दीजिए। ये देखिए, इस लेवल को इसे निकालना जरूरी है, निकाला तो रेजिस्टेंस दोबारा सामने है। बट एएमसी स्टॉक्स चल रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ये भी शेयर भागेगा, और धीरे धीरे करके यहाँ पर भी देखिए ये इसी तरीके का राउंडिंग बॉटम बन रहा है और चीजें धीरे धीरे करके ऊपर जाती हुई नजर आएगी। तो 1200 रुपए तक का यहाँ पर भी बनेगा, और एक बार इस लेवल को निकाला तो अच्छा खासा। तो सबसे ज्यादा मुझे अच्छा स्टॉक जो लग रहा है आदित्य बिड़ला सन लाइफ एएमसी, इसकी तरफ ध्यान दे सकते हैं, और साथ साथ एचडीएफसी की तरफ ध्यान दीजिए और दूसरे स्टॉक्स की तरफ ध्यान दीजिए। क्यों? क्योंकि ये लगातार नया स्टॉक्स था, गिरा था, इसकी अब एडवांटेजेस इसे मिलती हुई नजर आएगी, और रिजल्ट सबसे अच्छे इसी के थे। तो बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करें। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, ताकि इस तरह की वीडियो मिलती रहे, और दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना हो सके प्यार दीजिए। बहुत सारे लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है, बेल आइकन को नहीं हिट कर रखा, तो बेल आइकन हिट कर लीजिए। बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं, मैं सब्सक्राइब नहीं करता, तो वीडियो सब्सक्राइब करने में चैनल को कुछ नहीं जाना। कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसी चैनल की वजह से कोई अच्छा शेयर आपको मिल जाए और आप यहाँ पर अच्छा खासा पैसा कमाएं। सो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।